जिला के शराब के ठेकों पर मनमाने रेट वसूलने पर आबकारी विभाग ने 1,00,000 का जुर्माना वसूला है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त हुई शिकायत के आधार पर विभाग ने जिला के 5 ठेकों पर कार्यवाही की है। विभाग ने गुप्त रूप से प्रशासनिक अधिकारियों की टीम शराब के ठेके पर भेजी। विभागीय अधिकारियों ने रेट के दौरान कहा कि विभाग शराब के ठेकों का लगातार औचक निरीक्षण कर रहा है। इस दौरान अगर कोई भी लापरवाही व नियम अनुसार कोई काम नहीं करता तो उन पर कार्यवाही होगी। गौरतलब है कि आबकारी नीति के तहत उपरोक्त व्यवस्था सरकार व ग्राहकों को चुना लगाने वालों के लिए लगाई गई है, ताकि शराब ठेकों में अंकित मूल्य पर ही शराब की बिक्री हो सके। आबकारी एवं कराधान विभाग को पिछले कुछ समय से शराब के दाम कम या ज्यादा वसूले जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसी के तहत नई नीति का सरकार ने प्रावधान किया है, ताकि शराब ठेके वाले सरकार के राजस्व समेत ग्राहकों को छूना ना लगा सके। विभाग की इस कार्यवाही से ठेका मालिकों में हड़कंप मच गया है। विभाग का कहना है कि शराब के रेट सरकार द्वारा तय किए गए हैं, इस दौरान अगर कोई भी मनमाने रेट वसूलता है तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। आज के दौर में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में बहुत सी शिकायतें शराब के ओवर चार्जिंग और मिलावट के बारे में आती रहती हैं, जिसपे हम शिकायत मिलने पे तुरंत कार्रवाई शुरू कर देते हैं और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसका चालान किया जाता है और जरूरत पड़ने पर उस ठेका को एक दिन के लिए बंद भी किया जाता है। और इस तरह के हमारे पास 5 के करीब मामले आए हैं और जिसमें उनको 1,00,000 के करीब जुर्माना लगाया गया है। और इसी तरह से अभी हमारे घुमारियों क्षेत्र में एक निजी होटल में जो टन भरी गई उसको कम टैक्स दिखाया गया था, उस पर हमने कार्रवाई करते हुए उसको 2,00,000 रुपए जुर्माना लगाया है और जो कि अभी शीघ्र ही जमा भी हो जाएगा। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।